अपराध संख्या 83/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में हाजी इकबाल उर्फ बाला जो कि बदस्तूर फरार चल रहा है इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 की नोटिस जारी की गई है। अगर ये नोटिस तामिला होने के एक माह के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो इसके घर की कुर्की की जाएगी, विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभी लोग ध्यान दीजिए। इस वक्त हम लोग मौजूद है हाजी इकबाल, हाजी इकबाल का ये घर है, ये हाजी इकबाल यहीं से अपना साम्राज्य चलाता था। आज डीएम ने आदेश दिए हैं कि इसकी 506 करोड़ की लगभग की संपत्ति को कुड़क करने के आदेश दिए हैं पुलिस को। जो ये संपत्ति है सहारनपुर, देहरादून, गौतम नगर, ये इन सब जगहों पे इसकी अवैध संपत्ति है जो इसने अपने रसूख से अर्जित करी थी, गैर तरीके से क्रय करा था, लोगों को डरा कर धमका कर इस जमीनों पर कब्जा किया। जो आज डीएम के आदेश के बाद इस पर पुलिस ने कार्रवाई करेगी, जो कि 3 जिलों में से सहारनपुर, देहरादून और गौतम नगर पे ये ज़मीनें हैं उन पर कब्जा करके कुड़क करेगी। हाजी इकबाल ने अपने रसूख से खैर की लकड़ी चुरा कर और आज इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया था, जो योगी सरकार के आने पर माफियाओं की जो कमर तोड़ी गई है उसी तरीके से सहारनपुर के हाजी इकबाल की भी कमर तोड़ी गई है और इस पर दिन प्रतिदिन कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले SSP ने इनके यहाँ कुड़की करके 182 की धारा पे इन पर जो गैंगस्टर के जो आरोप हैं उस पर इनके यहाँ तामील किया था कि वो जल्द से वो पेश हो जाएं, क्योंकि अभी वो वांछित चल रहे हैं और इनके सारे भाई बच्चे सब पुलिस की कैद में है, बस हाजी इकबाल अभी कानून की गिरफ्त से दूर है। उपरोक्त आख्या के आधार पर मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ वाला धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना बेहट की आख्या के आधार पर वार्ड संख्या 3/2023 में नए जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर सम्यक विचारों उपरांत इनकी परिसंपत्तियां जो आदेश में वर्णित हैं लगभग उनकी अनुमानित कीमत 506 करोड़ है उनको कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। और संपत्ति के क्योंकि संपत्ति नोएडा, लखनऊ, सहारनपुर में हैं इसलिए इनके जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नरेट को भी उन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के लिए आदेश निर्गत किए गए। हाजी इकबाल जो कि चिन्हित खनन माफिया हैं इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 82 CRPC के तहत इनको न्यायालय में पेश होने के लिए आदेशित किया गया है, जिसके कि नोटिस इनके संपत्ति पर घर पर चस्पा किए जाएंगे और इनको सूचित किया जाएगा और यदि यह नहीं आते हैं और कोर्ट पे पेश नहीं होते हैं तो इसमें माननीय न्यायालय के आदेशों के अवहेलने का मुकदमा दर्ज होगा और इसके पश्चात इनकी कुड़की की जाएगी इनकी संपत्ति की।